देर रात तक बिकती रहती नशे वाली सिरप, लगती थी भीड़, युवा वर्ग हो गया आदि। प्रशासन को लगी भनक, दुकान को किया सील। फिर शुरू हुई जांच तो सामने आई चौंकाने वाली बात। जब कभी भी आप रात्रि में दवा लेने निकलते होंगे तो कुछ मेडिकल स्टोर्स पर 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन जब इसी सुविधा की आड़ में नशे का व्यापार परवान चढ़े तो कहीं न कहीं यह समाज हित में नहीं है। किंतु ऐसा घटित हो रहा है और आप भी सोच रहे होंगे कि मेडिकल पर नशे का ऐसा कौन सा सामान है। हम आपको बता दें कि यह है कोडीन युक्त सिरप, जिसका प्रयोग नशे के तौर पर भी किया जाता है। सरकार इसकी बिक्री को लेकर तमाम नियम भी निर्धारित कर चुकी है। तमाम जटिल नियमों के बावजूद भी प्रशासन के होश उस समय फाकता हुए जब उन्हें खबर लगी कि जनपद बाराबंकी के मेडिकल स्टोर पर ऐसी चीजें घटित हो रही हैं। शिकायतों के क्रम में प्रशासन ने निबलेट चौराहा स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और दुकान सील कर दी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दुकान की सघन चेकिंग की गई, जिसमें विभिन्न कंपनियों के 139 अदद कोडीन युक्त सिरप मिली। अधिकारियों के आश्चर्य का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब इन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख मेडिकल स्टोर संचालक के पास मौजूद नहीं मिले। इन दवाओं की कीमत लगभग 24,000 रुपए आंकी गई है। आरोप है कि मेडिकल संचालक द्वारा उक्त सिरप का दुरुपयोग करते हुए नशे के प्रयोग हेतु बिक्री की जा रही थी। बहरहाल इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाते हुए कुछ सिरप के नमूने जांच हेतु संग्रहित भी किए गए हैं। शिकायत प्राप्त हुई थी कि रात में मेडिकल स्टोर खोलता है और यहाँ पर कोडीन बेस्ड कफ सिरप जो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है नशे के दुरुपयोग के लिए, तो इसकी जांच के लिए छापे की कार्रवाई की गई थी। दिनांक 19 तारीख की गई थी, तो उसी क्रम में ये मेडिकल स्टोर बंद पाया गया था, न्यू कमला मेडिकल स्टोर, जिसको तहसीलदार नायब तहसीलदार जी द्वारा सील किया गया था। तो आज जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में आदेशानुसार SDM साहब की उपस्थिति में आज इस मेडिकल स्टोर को खोला गया है। जांच के दौरान यहाँ पर कोडीन बेस्ड कफ सिरप लगभग 150 कफ सिरप जो है वो यहाँ पर मिले हैं और इसी के संबंध में इसे क्रय विक्रय बीजक मांगे जाएंगे और सेल परचेज रिकॉर्ड देने के बाद ही जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसी के अनुसार। और प्रतिबंधित तो कोई औषधि नहीं मिली है, लेकिन हाँ, लेकिन ये कोडीन बेस्ड कफ सिरप जो जिसका मेन जो चीज़ थी वो शिकायत थी वो जरूर यहाँ पर मिले। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन कर एक बड़ा संदेश भी दे दिया। प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन ने उस दिन इसको फोन किया था कि शायद लखनऊ में थे, तो दुकान को सीज कर दिया गया था। आज नायब साहब और SDM साहब लोगों की मौजूदगी में दुकान की सील तोड़ी गई। अन्य जो भी दवाइयाँ मिली हैं उसमें कोई प्रतिबंधित दवाई नहीं है, कोडीन की सिरप है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बताया है कि इसको आप बेचने में, लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर के पर्चे पे इसको बेचा जाए। बाकी दवाइयाँ तो आप अगर लिमिटेड में खाते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है, अनलिमिटेड खाते हैं तो उसका नुकसान। संतोष जी, प्रशासन का कहना है कि लगातार इस संबंध में शिकायत मिल रही थी कि बिना पर्चे के और प्रतिबंधित दवाएं और खासकर युवा वर्ग को उपलब्ध कराई जा रही थी, एक गंभीर आरोप है। नहीं, इसके लिए हमारी एसोसिएशन बहुत ही खिलाफ है, इन लोगों तक हिदायत भी देती रहती है कि इस तरह का कृपया कोई आप काम न करें, इससे आने वाली जो भविष्य है उनकी उनके भावनाओं पे कोई ठेस पहुंचे या उनके गार्जियन कोई परेशान हो। लेकिन अब गलती हुई है तो ये उनको देखा जाएगा क्या है, वरना जो भी इनको सजा मिलेगी यूनियन प्रशासन के साथ। प्रशासन की इस प्रकार की कार्यवाही से मेडिकल स्टोर संचालन कर रहे ऐसे लोगों के बीच हड़कंप मचा रहा जो इस धंधे की आड़ में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रहे हैं। वहीं विभाग को तालाब की छोटी मछलियों के माध्यम से कुंडली बनाकर बैठे बड़े मगरमच्छों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हालांकि औषध निरीक्षक का दावा है कि इस बिंदु पर भी कार्यवाही गतिमान है। मैम, कुछ और जगह की भी शिकायत आपको प्राप्त हुई है ऐसी? जी, अभी तो ये छापेमारी चलती रहेगी, हमारा अभियान तो हम चलता रहेगा कि इस तरीके से कहीं पे भी अगर यहाँ से भी हमें लिंक मिलता है कि ये कहाँ से लेते थे तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।